नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश के स्मगलर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि इन्होंने भारतीय जवान के बीएसएफ के एक जवान के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसमें हालांकि हमारे बीएसएफ के जवान ने एक घुसपैठियों को वहीं पे लुड़का दिया। टोटल 12 से 15 घुसपैठिए आए थे जिसमें से एक को लुड़का दिया गया। लेकिन आप देखने जाओ ना तो ये अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए हो जाती है कि पिछले 2 सप्ताह में ये दूसरी घटना घट रही है दोस्तों। तो जो हम बोलते हैं ना, जिस चीज से हम लड़ रहे थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे प्रॉब्लम फेस करते थे, अब वो साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश में वही सब चल रहा है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए भारत के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो क्या पहली बार हो रहा है? ये हमेशा चलते रहे, कई सालों से चल रहे, कोई नई बात नहीं है। कभी ये कोई बोलते हैं ना बैंड सामान लेकर के घुस जाएंगे, भारत के अंदर जो चीजों को बैन किया गया है वो सामान लेकर के भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो कभी भाई साहब दारू गांजा जो पाएंगे लेकर के घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो बैठे हुए चाचा लोग, वो सब छोड़िए गाय भैंस बकरी ये सब का भी स्मगलिंग कर लेते हैं ये लोग। ये सब बहुत निपुण है, खास लोग हैं ये लोग, मतलब क्या ही बोलो इनके बारे में। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि मंडे की यह घटना बताई जा रही है दोस्तों, जहां पे बांग्लादेशी एक स्मगलर को क्या कर दिया, हमारे बीएसएफ के जवान ने उड़ा दिया। 12 से 15 पूरे स्मगलर आए थे यहाँ पे। ये घटना 6 बजे घटी है, साल पोकर जो आपका गोकुल नगर है त्रिपुरा में, वहां पे दोस्तों ये घटना पूरी घटी है। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों इसके बारे में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, ये है आपका बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, ये मिजोरम है, यहाँ पे वो त्रिपुरा दिख रहा है दोस्तों। तो इसी के बॉर्डर पे क्या हुई है दोस्तों, ये सारी घटना यहाँ पे घटी है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, जो हमारे बीएसएफ के जो जवान था उन्होंने देखा कि भैया कुछ घुसपैठिए बोलते हैं ना अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाकी के जवान को आवाज दी कि भैया देखो यहाँ पे कुछ घुसपैठिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय क्या हो गया कि जो बाकी के घुसपैठिए थे ना, तो हमारे एक जवान को क्या कर लिए, 15 12 15 लोग आकर के पकड़ लिए, तो उनके गले पे चाकू रख दिए, कुछ हाथ पे भी बोलते हैं ना कुछ घाव हुआ है, कुछ सीरियस इंजरीज भी हुई उनको। तो इन्होंने क्या किया, एक राइफल बोलते हैं वन राउंड क्या किया, फायर किया ओपन एयर में, और उसके बाद बोलते हैं ना दोस्तों ये लोग भागना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान ने क्या किया भाई साहब, एक को तो यहाँ पे क्या कर दिया है, लुढ़का दिया है, और उसने बोलते हैं ना वेपन्स मतलब यहाँ पे उन्होंने चाकू का उपयोग किया था, हमारे जवान के गले के ऊपर रखा था, उसको थोड़ा सा घाव यहाँ पे देखने को मिला है। बाद में जब पूरा एरिया चेक किया गया, जब वो लोग भागे देखा गया जो गोली वोली चली थी उसमें, पता चला भैया एक स्मगलर सुहा हो चुका है। अब ये सब चीजें चल रही थी और जो हमारा जो जवान है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू है। तो ये सब चीजों को देख करके ये लगता है कि दोस्तों ये मतलब ये जो चीजें घट रही है ना, आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगी। इसको आप नॉर्मल कर लीजिएगा कि 12 15 स्मगलर्स आ रहे हैं, आने वाले समय में बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लगेगी। इसके पहले भी देखो दोस्तों एक घटना ऐसी घटी थी पिछले मंथ में, जब हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बोलते हैं ना एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश के खिलाफ में। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे एक जवान को ये लोग बोलते हैं ना अगवा करके लेके चले गए थे, 12 से 15 बोलते हैं ना मिस्क्रेंट्स आए थे बांग्लादेश से। अब क्या हुआ था कि हमारा जो जवान है दोस्तों वो पेट्रोलिंग कर रहा था, कहाँ पे, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल में। तभी उस जवान को हम क्या किया गया, किडनैप कर लिया गया था, और उसको किडनैप करके ये लोग लेके गए, किसको दे दिए, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीपी को हैंड ओवर कर दिए। बोलते हैं देखो ये बांग्लादेश के अंदर ये जवान घुसने की कोशिश कर रहा है, हम इसको पकड़ करके लेके आए, आप इसको पकड़ लो। अब ये सब जब सब घटना घटी तो इसमें 15 से 20 बांग्लादेशी मिस्क्रेंट्स क्या थे इसके अंदर इन्वॉल्व थे दोस्तों। अब ये सब जब ये सब हुआ तो जब भारत कोई बोलते हैं ना बीएसएफ कोई सब चीजें पता चली तो इसका बहुत भयंकर तरीके से हमने रेस्पॉन्स दिया। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल ने क्या किया भाई साहब, ये लिस्ट किया उन्होंने, रीजनल कमांडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन डीजीपी से कांटेक्ट किया और डिमांड किया भाई साहब तुरंत ही हमारे जवान को छोड़ दो, हम लोग जीरो फायरिंग का बोलते हैं ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इस तरह से चीजें हो रही वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, आप हल्के में मत लीजिएगा हमको, क्योंकि बेटे के पोते हो, मतलब आप तो पोते ही हुए ना, बेटा कौन सा हुआ पाकिस्तान, पोता कौन है बांग्लादेश, पोता हो उसी हद में रहा करो, क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप इंडिया से लड़ ही नहीं सकते हो। तो इन्होंने क्या किया हमारे जवान को फिर वहां पे रिलीज किया। लेकिन ये दूसरी जो घटना घट रही है ना, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पे दिखा रही है कि क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पे, अब ये चीज भी हो सकता है कि उनके यहाँ पे कोई बोलते हैं ना इलेक्शन वेक्शन हो, कोई दूसरी अच्छी सरकार आए तो सिचुएशन अच्छा हो सकता है, इसको वो अलग बात है, लेकिन उसको तो मैं ना के बराबर समझता हूँ। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ना जो चीज हम फेस करते थे, जो प्रॉब्लम हम पाकिस्तान से देखते थे, अब ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ये चीजें बोलते हैं ना और बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे एक बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया का बोलते हैं ना सेंटिमेंट काफी फैलता जा रहा है। ये बोलते हैं ना आज की बात नहीं है, आपने बहुत सारे न्यूज आपको कवर किए आपने देखा ही होगा,
तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब देखते हैं इस इंडिया इसका स्टैंड इस पे क्या रहता है और इंडिया इसके लिए क्या करता है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एंड आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।